सुप्रभात मान्यवर, मैं हूँ इस समय IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में और एक नई यात्रा का शुभारंभ करते हैं। फिलहाल आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से अलमाटी के लिए। फ्लाई एरिस्तान की मेरी फ़्लाइट है और ये जो फ़्लाइट है अभी तक की मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट में से सबसे सस्ती फ़्लाइट है। मैं सिर्फ 5800 रुपये में अलमाटी पहुँच रहा हूँ इतने बड़े बैग के साथ में। आप देखिए मैंने पीछे बैग टांगा हुआ है। हालांकि इनका एक प्लान है कि 5 किलो तक का अगर आपके पास बैग है तो और भी सस्ते में मिल जाएगी। लगभग 4000 के आसपास में आपको अलमाटी की फ़्लाइट मिल जाएगी। ये जो एयरलाइन है दरअसल एयर अस्ताना की सब्सिडरी है, तो मुझे मौका मिला इसमें सस्ते में ट्रैवल करने का। इसको मैं कैसे छोड़ सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिलहाल ये वाला जो काउंटर है पीछे C और D, तो D वाले से मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका है और अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से इमिग्रेशन की तरफ और इमिग्रेशन के बाद होगा सिक्योरिटी चेक। ये है जी यहाँ पे डी वाला, तो यहाँ से जो है बोर्डिंग पास मिल रहे हैं। ये है जी यहाँ पे डोमेस्टिक डिपार्चर और मुझे जाना है इंटरनेशनल डिपार्चर में, जो कि यहाँ से राइट में पड़ेगा। ज़्यादा भीड़ नहीं है इंटरनेशनल डिपार्चर में। ये है जी यहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर। ये है यहाँ पे सामने पासपोर्ट कंट्रोल। मिलते हैं आपको पासपोर्ट कंट्रोल के बाद। ये है जी गेट नंबर 126, मेरा नाम गेट नंबर है 11 और ये है दिल्ली ड्यूटी फ्री। यहाँ से आप बिना टैक्स की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ये है जी फ्लाइट इंफॉर्मेशन। मेरी फ़्लाइट है, कौन सी है मेरी फ़्लाइट, वो तीसरे नंबर पे KC 7180 दिल्ली से अलमाटी की 11A। मेरा गेट नंबर है 11A। आज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दरअसल मुझे एक फैमिली मिली, वो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे वीडियो देखे थे तो मैं उनके पास जाके बैठ गया। तो बहुत ही अच्छे सच में, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और हम 2 घंटे तक गप्पे मारते रहे और सच बात यह है कि उस बात का पता ही नहीं चला कि मतलब 2 घंटे कब बीत गए। तो फ़िलहाल वो भी पीछे आ रहे हैं। दरअसल वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और उनको YouTube की वजह से जो हम लोगों के व्लॉग्स देखते हैं उनको भी घूमने का मन किया, तो फ़िलहाल वो भी अलमाटी जा रहे हैं मेरी फ़्लाइट में। तो फ़िलहाल बता देता हूँ जी, मेरी जो फ़्लाइट है वो है फ्लाई एरिस्तान की और ये दरअसल एयर अस्ताना की सब्सिडरी है। बड़ी सस्ती एयरलाइन है फ़िलहाल अभी तक के लिए। इसमें जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का कि आप सोचिए लगभग 5800 रुपये में मैं पहली बार किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ सिर्फ 5800 रुपये में, और वो भी 10 किलो के बैग के साथ में। आप देखिएगा मेरे पीछे जो झोला टंगा हुआ है, यूजुअली मेरे पास 2 बैग रहते हैं लेकिन इस बार मैं 1 बैग लेके जा रहा हूँ और इसमें जो टोटल वेट है वो है 10 kg। एक मुझे मित्र मिले थे समरकंद में, तो क्योंकि मैं उसी एरिया में जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार कुछ लेके आना, पोहा लेके आना। तो फिलहाल उनके लिए मैं पोहा भी लेके जा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने बोला था 4-5 किलो, मैंने कहा भाई मेरे बैग में तो ऑलरेडी जो सामान है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप चाहें तो मैं कुछ ले आ सकता हूँ। तो लगभग 1 किलो का मेरे पास जो है स्पेस था तो मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। उनको आपने देखा होगा कि एक ट्रेन में मैं गया था समरकंद से ताशकंद के लिए,
तो उस ट्रेन में वो मुझे मिले थे गुजरात से। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ और मेरा गेट है 11A। और दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसमें अंदर पैदल चलते हुए थक जाते हैं, मतलब बहुत लंबा है। ये आ गया जी अपने गेट पे और अब मैं आपको बताता हूँ दरअसल मैं क्यों अलमाटी जा रहा हूँ। लास्ट टाइम में जब मैं सेंट्रल एशिया के टूर पे था तो कुछ जो देश हैं वो मुझसे छूट गए थे, किसी वजह से मुझे वापस इंडिया आना पड़ा। लेकिन सेंट्रल एशिया में जाके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में जो ये देश हैं यहाँ पे कोई क्यों नहीं जाता मेरी समझ से परे है। इंडियन जो टूरिस्ट है वो बहुत कम जो है सेंट्रल एशिया में जाता है। आपने मेरे जो वीडियोस हैं उज़्बेकिस्तान के देखे, मतलब सच में मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं कि मतलब मेरा जो परसेप्शन था वो कुछ और था उज़्बेकिस्तान के लिए, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो सच में मेरी परसेप्शन ही बदल गई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं, जैसा आपने देखा, मैं किर्गिस्तान गया, लेकिन उसके बाद जो बाकी के देश हैं जहाँ मैं जाना चाहता था वो मुझसे छूट गए थे। एक तो तजाकिस्तान ने मुझे वीज़ा देने में लेट किया, आपने सुना होगा, ये मैंने वीडियो में भी बताया है, बहुत टाइम लगा। अगर आप तजाकिस्तान जाना चाहते हैं, अगर आप सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो वीज़ा है खास करके तजाकिस्तान का, वो कम से कम 1 से 1.25 महीने पहले अप्लाई करना है, यानी कि जब आप जा रहे हो। ये मत सोचना कि ये 4 दिन या 5 दिन में मिल जाएगा जैसे कि उज़्बेकिस्तान करता है या किर्गिस्तान करता है। ताजिकिस्तान आपको बहुत लेट वीज़ा देता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अलमाटी। मैं अपनी जो यात्रा है वो शुरू कर रहा हूँ कजाकिस्तान से, और आगे कहाँ कहाँ पहुँचता हूँ ये आप देखते रहिए वीडियोस में। फ़िलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे बोर्डिंग गेट पे। मतलब पिछले कुछ टाइम से मेरी जो फ़्लाइट्स हैं उनका जो टाइम है वो बड़ा अजीब सा है, मुझे पूरी रात जो है एयरपोर्ट में गुजारनी पड़ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल यात्रा का जो मज़ा है वो लिया जाए, और चलिए आपको लेके चलता हूँ फिर अलमाटी। तो अभी फ़िलहाल बोर्डिंग शुरू हो गई है जी। मेरा जो सीट नंबर है वो है 22F। की ओर से हम आपकी सुखद उड़ान की कामना करते हैं। Пожалуйста, подготовьте свои посадочный талон и паспорт к инспекции. От имени авиакомпании Air Astana желаем вам приятного полета. यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से एक है जहाँ पे 3 भाषाओं में अनाउंसमेंट्स होती हैं। पहली वो भाषा जिस देश में वो फ्लाइट जा रही है उस देश की भाषा, दूसरा इंग्लिश और तीसरा हिंदी। Thank you for waiting. All remaining passengers are now requested to board the aircraft. Please have a boarding card and code and passport ready for inspection. 105, sorry, that side please. Achha. 46, please, thank you. ये एयरक्राफ्ट है जी एयरबस A320, और ये रही मेरी सीट। और ये दरअसल इसका जो इंटीरियर है वो एयर अस्ताना के जैसा ही है, ब्लू लाइट्स वाला। यूजुअली दूसरे जो एयरलाइंस हैं वो यूज़ करते हैं वाइट लाइट्स, ये पता नहीं पहले से ही कुछ ब्लू लाइट यूज़ करते हैं, एयर अस्ताना में भी ऐसे ही है। तो चलो जी आपको ले चलते हैं फिर अलमाटी। Наш самолет имеет 8-го линейного выбора, сборный линейный, средний, посольчатый обход, обозначен образовательным табло.
अलमाटी कजाकिस्तान में आपका स्वागत है जी। सो ओके बाय 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 सी यू। ये था जी हमारा फ्लाई अरिस्तान। ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस रहा है कि वैसे तो कोई ना कोई मिल जाता है लेकिन फ़्लाइट में आज बहुत सारे लोगों ने भेजा था। हाँ फ्लाइट भी फुल थी, फ्लाइट भी फुल थी। ये पहुँच गया जी अलमाटी एयरपोर्ट और बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है और ये मेरा दूसरी बार यहाँ का टूर हो रहा है। सबसे पहली बार आया था मैं 2019 में और 2019 के बाद अब आया हूँ इस साल। एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, यहाँ से सिटी सेंटर जाने के लिए सबसे बेस्ट है 92 नंबर की बस यहाँ अराइवल के बाहर से ही जाती है। ये यहाँ से आप गेट बाहर जाएंगे और बाहर जाके 92 नंबर की बस खड़ी होगी और यहाँ पे एटीएम मशीन्स हैं वो सामने लगी हुई। यहाँ से आप करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप अपने कार्ड से करना चाहते हैं, नहीं तो यहाँ एक्सचेंज पॉइंट्स हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे सामने ठीक पीछे आप देखेगा एक्सचेंज के लिए। लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको बताना चाहूँगा अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो आपको रेट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। नंबर टू सिम कार्ड भी लेते हैं वो भी बहुत महंगा मिलेगा। मैं अभी ज़रा ट्राई करूँगा, एक और भाई है इंडियन तो वो भी मेरे साथ में अभी आए हैं। आज मुझे बहुत सारे लोग मिले सब्सक्राइबर्स, मैं सब्सक्राइबर नहीं मानता आप लोगों को, मैं अपनी फैमिली मानता हूँ सच में। और इतने सारे मिले हैं कि दिल्ली से लेके यहाँ तक का जो मज़ा था वो सच में डबल हो गया। एक अलग ही बात थी कि बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप YouTube पे हैं ना, आप हिमालयन रोवर है ना, इसकी एक बात ही ज़बरदस्त है। और वैसे भी मैंने आज जो मेरे चैनल का जो सिग्नेचर जैकेट है वो पहन के आया हूँ तो लोग दूर से पहचान रहे हैं। अलमाटी में ठंड बहुत ज़्यादा है, जब हम लोग फ़्लाइट में थे तो मैंने अपना देखा कि मैं टी शर्ट पहने हुआ था, लेकिन मैंने देखा जो फ़्लाइट से बाहर को खिड़की से देखा तो जो नीचे ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने मोटे मोटे जैकेट पहन रखे हैं। तो जब बाहर निकले तो मुझे भी जैकेट निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। आपने देखा यहाँ आसपास में बर्फ़ के पहाड़ है तो अलमाटी बहुत ठंडा है। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो अच्छा खासा सामान लेके आइएगा, जो कपड़े हैं वो गर्म लेके आइएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं एक काम करता हूँ, ज़रा सिम पता कर लेता हूँ पहले और उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से सिटी सेंटर। पैसे मैं यहाँ विड्रॉ नहीं करूँगा, मेरे पास में पहले की जो है कुछ करेंसी बची हुई है यहाँ की, तो मेरे सिटी सेंटर तक के लिए हो जाएंगे, फिर वहाँ जाके देखते हैं। ये एक यहाँ पे बी लाइन का काउंटर है छोटा सा,